हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पूजा किचन ब्लॉग्स। तो मैं पूजा, आज मैं बनाऊंगी गूथे हुए आटे से बहुत ही टेस्टी और यमी नाश्ता, जो बच्चे तो खाएंगे, बड़े भी बड़े मन से खाएंगे। तो ये मैंने डाइस साइज में प्याज काट लिया है और शिमला मिर्च, और एक प्याज को आधा थोड़ा सा छोटा छोटा चॉप कर लिया है। आटे को, गूथे हुए आटे को हम कैंची से इस तरीके से शेप में काट लेंगे, या आप छुरी की मदद से भी इस तरीके से काट सकते हैं। बस अब हम पानी बैठाएंगे, पानी को उबलने देंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और कटी हुई शेप्स के आटे को हम उसमें डाल देंगे और 5 मिनट इसे हाई फ्लेम पे उबाल लेंगे। फ्राई पैन पे डालेंगे हम ऑयल, थोड़ा सा राई और डालेंगे कटी हुई प्याज जो चॉप करके डाली है, उसे पहले डालेंगे। 2 मिनट शॉटे करेंगे और फिर हम अपने कटे हुए वेजीज और डाइस साइज में अनियन प्याज सारा डाल देंगे। आप और भी वेजिटेबल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। इसमें डालेंगे हम हल्दी चम्मच, हाफ चम्मच हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, और इसमें डाल देंगे हम केचप, टोमेटो केचप। वैसे ही टोमेटो केचप बच्चों को बहुत पसंद होती है, तो जी भर के डालिए टोमेटो केचप जितना आपको डालना है, और थोड़ा सा सोया सॉस, और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब ये हमारा आटे का जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुका है और इसे मैंने छान लिया है, और इसे हम पैन में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऊपर से हम मैगी मसाला डाल रहे हैं। आपको कोई भी मसाला अगर ऐड करना हो, जीरा पाउडर या फिर पास्ता मसाला या गरम मसाला, जो भी आपके पास अवेलेबल है या आपको पसंद है डालने के लिए, तो आप वो मसाले इसमें डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से 2 मिनट तक पैन में फ्राई होने दीजिए, अंदर से पकेगी। देखिए कितनी यमी और कितनी टेस्टी दिख रही है ना, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसी तरीके से बनाइए। रात में रोटी बन रही है तो बच्चों का टेंशन रहता है कि बच्चे तो रोटियां खाएंगे नहीं, सब्जी खाएंगे नहीं, तो उसके लिए हम क्यों ना उस आटे से ये बना दें, तो सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बच्चे बड़े मन से बड़े खुश होकर खा लेंगे, और बच्चे अगर खुश होते हैं तो हम भी साथ में खुश हो जाते हैं। ऊपर से मेयोनीज़ लगा दीजिए, धनिया पत्ते से गार्निश कर दीजिए, जो आपका मन है उसमें गार्निश कीजिए, और इसे